नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं सुपीरियर ऑटो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 500 के बारे में। ये इसका W9 वेरिएंट है, ये सनरूफ वाला वेरिएंट है। प्राइसिंग की बात करें तो आपको ये मिलेगा 16,90,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस। एंड गाइस, वीडियो को पूरा देख के जाना, ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। सो गाइस, मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें, मिस ना करें कोई भी पार्ट इस वीडियो का। बात करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसका मस्कुलिन डिजाइन। और यहां आपको मिलेंगे इंटेलिजेंट लाइट सेंसिंग प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल और टर्न इंडिकेटर के साथ। नीचे आपको फॉग लैम्प मिलेगा हेलोजन के अंदर। और ये आप चेक कर सकते हैं इसकी ग्रिल, यहां मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट, दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। सेंटर में मिलेगा आपको महिंद्रा का लोगो और ऊपर आप देख सकते हैं इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो हाँ, यहाँ आपको 17 इंच का अलॉय मिलेगा, 235/65R17 का टायर मिलता है। और ये है आपके मैक फर्स्ट एंड स्टार्ट सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलेगा पटल लैंप्स के साथ यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप इसके डोर हैंडल, बॉडी कलर्ड, रिक्वेस्ट सेंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे। ऊपर मिलती है आपको रूफ रेल और सनरूफ, हम सबका फेवरेट फीचर। और डायमेंशंस की बात करो तो यहाँ मिलेगी आपको 4.5 मीटर की लेंथ, 1.8 मीटर की विड्थ एंड 1.7 मीटर की हाइट। 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है आपको महिंद्रा XUV के अंदर। टोटल 6 कलर ऑप्शन मिलता है आपको महिंद्रा XUV के अंदर, जो है रेड, ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर, वाइट, कॉपर। ये इसका वाइट कलर आप देख रहे हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको मिलेंगे डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट, साइड इम्पैक्ट बीम। सो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर लोडेड मिलेंगे आपको महिंद्रा XUV के W9 वेरिएंट के अंदर। ये देख सकते हैं आप इसका साइड प्रोफाइल। और ये है मल्टी लिंक विद एंटी रोल बार सस्पेंशन रियर की साइड में। पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और 70 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको XUV के अंदर। और ये देख सकते हैं आप इसके टेल लैंप्स, दिखने में काफी शानदार लग रहे हैं ये। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे, रियर पार्किंग सेंसर देख सकते हैं आप इसके, 4 रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको। और ये है डुअल एग्जॉस्ट जो गाड़ी को काफी स्पोर्टी लुक देता है। नीचे आपको स्टील व्हील मिलता है एज अ स्पेयर व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा सेंटर में। और ये है W9 वेरिएंट की बैजिंग, XUV 500 का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, लिव यंग लिव फ्री की बैजिंग। और ये देख सकते हैं आप स्पॉइलर के ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प। ओपन कर लेते हैं इसके बूट को, तो काफी छोटा बूट मिलता है आपको यहाँ पे, 93 लीटर इसकी कैपेसिटी है। बाकी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 400 लीटर्स, हम इन सीट को फोल्ड करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नीचे आपको टूल किट मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप, नीचे टूल किट मिलेगी आपको यहाँ पे। आइए फोल्ड करके देख लेते हैं इन सीट्स को, इट इज क्वाइट इजी टू फोल्ड। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, बॉटल होल्डर फॉर थर्ड रो ऑफ सीटिंग। एसी का कंट्रोल मिलेगा आपको पीछे, और ये रहे एसी वेंट्स। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड आपको एसी वेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। और 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलेगी महिंद्रा XUV के ऊपर। अनफोल्ड कर लेते हैं इन सीट्स को, तो ये हमने बात करी इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना करें मेरी साइड से। चलते हैं इसके पैसेंजर साइड डोर की तरफ और देखते हैं आपको क्या क्या ऑफर किया है यहाँ पे इंटीरियर के अंदर। खोलते हैं इसके डोर हैंडल को और यहाँ आपको मिलता है फुल ब्लैक इंटीरियर्स। ये देख सकते हैं आप इसका इंटीरियर, पावर विंडो का बटन मिलेगा, 6 स्पीकर मिलता है आपको यहाँ पे। नीचे मिलता है बॉटल होल्डर और मैगजीन रखने के लिए स्पेसिंग। और ये आप देख रहे हैं इसका इंटीरियर, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको यहाँ पे। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी, ये लेदर सीट्स लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे। और मेरा हाइट है 5'7", तो आप लेग स्पेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी डिसेंट लेग स्पेस मिलेगा आपको यहाँ पे।
लंबर सपोर्ट मिलता है आपको एक्सयूवी के अंदर, साइड में मिलेगा ग्रैब हैंडल, ऊपर आपको लाइट दी गई है, यहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगी, काफी बड़ा ग्लास विंडो मिलता है आपको यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप इसका डैशबोर्ड, काफी अच्छा लग रहा है दिखने में डैशबोर्ड। बाकी हम आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। सो गाइस वीडियो पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। ऊपर आपको मिलता है सनरूफ, हम सबका फेवरेट फीचर, ऑल्दो इट्स क्वाइट हॉट टुडे। साइड में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लैक इंटीरियर, नीचे आपको बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर मिलेगा। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल्स मिलेंगे, स्पीकर, और देख सकते हैं आप इसका इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। ये 8-way मैनुअली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट मिलती है फॉर ड्राइवर साइड। और ये देख सकते हैं आप एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच पेडल्स, AC वेंट मिलेगा आपको राइट साइड में। स्टेप इन कर लेते हैं इस महिंद्रा XUV के अंदर, सो यू कैन सी द इंटीरियर्स, काफी शानदार लग रहे हैं दिखने में। वाटरफॉल आपको यहाँ पे डिजाइन मिलेगा, लेदर रैप स्टेयरिंग मिलता है आपको यहाँ पे। एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलेगा स्टेयरिंग के ऊपर। यहाँ मिलता है आपको मीडिया कंट्रोल, और राइट साइड मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल करने का बटन, हेडलैम्प कंट्रोल करने का लीवर मिलेगा, और वाइपर कंट्रोल देख सकते हैं आप इसका। और ये आप देख रहे हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड आपको मिलता है स्पीड और राइट साइड मिलेगा आपको टैकोमीटर, ऊपर आपको मिलता है ट्विटर्स। बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ आपको मिलता है 18 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, GPS, USB, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। टायरट्रॉनिक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं अपने टायर्स के अंदर कितना प्रेशर है। रिवर्स कैमरा देख सकते हैं इसका, आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ा और बेटर हो सकता था। यहाँ आपको सारे कंट्रोल मिल जाएंगे स्क्रीन के, म्यूट, इन्फो, इक्वलाइजर, वॉल्यूम का आपको सेंटर में नॉब मिलेगा, फ़ोन कनेक्टिविटी मिलती है आपको यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 4 AC वेंट्स मिलते हैं आपको आगे की साइड में, नीचे आपको मिलता है। और ये देख सकते हैं आप इसका गियर लीवर, लेदर रैप मिलेगा आपको यहाँ पे, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देख सकते हैं इसका, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा आपको XUV500 के अंदर, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और आर्मरेस्ट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी डिसेंट स्पेस मिलती है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका पहला कंपार्टमेंट है, नीचे आपको मिलेगा कूल ग्लव बॉक्स, सो दैट आप अपनी जर्नी इंजॉय करें, यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पे। एडजस्टेबल मिलेगा आपको ये, खोलते हैं इसके ग्लव बॉक्स को, यहाँ पे आपको अंदर लाइट मिलेगी ग्लव बॉक्स के अंदर, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा आपको यहाँ पे। एक ग्लव बॉक्स आपको ऊपर मिलता है, तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, 2 ग्लव बॉक्स मिलेंगे आपको XUV के अंदर, एक कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे ऊपर भी मिल जाएगा। देख सकते हैं इसका मैनुअल IRVM सनग्लास होल्डर मिलता है आपको यहाँ पे, सनरूफ कंट्रोल करने का बटन, लैम्प देख सकते हैं यहाँ पे, वैनिटी मिरर मिलता है आपको फॉर पैसेंजर साइड, लाइट इसमें आपको नहीं मिलेगी। और ये देख सकते हैं ड्राइवर साइड का सनशेड, खोल के देख लेते हैं इसके सनरूफ को, तो ये कुछ आपको यहाँ पे सनरूफ प्रोवाइड किया महिंद्रा ने। सो गाइस ये हमने बात करी महिंद्रा XUV के इंटीरियर के बारे में, खोलते हैं इसके हुड को और बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। नीचे आपको यहाँ पे इसका लीवर मिल जाएगा, खोल लेते हैं इसको,
तो यहाँ आपको मिलेगा 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 155 bhp की, और मैक्स टॉर्क की बात करें तो वो आपको मिलेगा 360 न्यूटन मीटर का। 6 स्पीड ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।